हेलो व्यूअर्स स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में आज हम बात करेंगे वर्कशीट ट्वेंटी की जो कि नाइन दिसंबर के लिए जारी की गई है ये क्लास एट की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास का नाम लिखेंगे बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा है लाइट तो चलिए देखते हैं जानते हैं समझते हैं कि आज के चैप्टर में आपके लिए क्या खास है तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों टुडे वी विल लर्न अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इमेज फॉर्म बाई ए प्लेन मिरर लॉज ऑफ़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल इज़ ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल सेकेंड लॉ ऑफ़ रिफ्लेक्शन द इंसिडेंट रे द नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइ एट द सेम प्लेन इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर लेट्स अंडरस्टैंड इट बाई एन एक्टिविटी यानी कि लॉज और रिफ्लेक्शन को पढ़ना है आज हम लाइट के और वो भी प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो जब हम प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ेंगे तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये जो एंगल बनाएंगी वो सेम रहेगा दूसरा जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे एक ही पॉइंट पे लाई करेगी बच्चों तो चलिए एक एक्टिविटी देखते हैं जिससे समझ में आए थोड़ा सा हमने मेटेरियल रिक्वायर्ड ए प्लेन मिरर एंड ए टॉर्च प्लेस टॉर्च ओ इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर पी क्यू यानी कि आपको एक प्लेन मिरर के फ्रंट में

कैरेक्टिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिररर कररेक्ट्रिस्टिक क्या है प्लेन मिररर से जो इमेज फॉर्म होती है पहला है द इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर इज रेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट आगे द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिररर यानी कि जो डिस्टेंस है इमेज की और ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन की वो सेम रहेगी बच्चों आगे द इमेज फॉम्ड बाई प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑप्टेंड ऑन स्क्रीन इट इज वर्चुअल इमेज तो ये क्या है किसी भी स्क्रीन पे अपियर नहीं होंगी इसलिए वर्चुअल इमेज होगी बच्चों और आगे, आ, आगे है इन द प्लेन मिरर द लाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपियस लेफ्ट ऑफ इमेज एंड लेफ्ट एपियस राइट दिस इज कॉल्ड लेटरल इनवर्सन यानी कि उल्टी लगेगी हमें क्यों क्योंकि सीधा हाथ अगर, अगर हम उठा रहे हैं तो हमें उल्टा लगेगा हमारा और उल्टा हाथ उठाएंगे तो हमें सीधा लगेगा हमारा ठीक है बच्चों जिस वजह से हम क्या कहते हैं कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटर्न एस इसे एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था पिछली वर्कशीट में बताया था कि एम्बुलेंस को उल्टा उल्टा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब कोई व्यक्ति इसे सीधा देखेगा आगे जो जा रहा है गाड़ी लेके जा रहा है तो वो इसे देख करके रास्ता दे सकता है आसानी से ताकि जो पेशेंट इसमें ट्रैवल कर रहा है उसकी जान को बचाया जा सके बच्चों चलिए अब जरा आपके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों तो पहला क्वेश्चन है लाइट द फोर प्लेन मिरर तो फोर कैरेक्टरिस्टिक जो इमेज फोर्ड होती है प्लेन मिरर के उसके हैं ये वाले बच्चों जो अभी अभी हमने पढ़े हैं दो छह ये चारों के चारों लिखने आपको आगे है क्वेश्चन टू क्या कहता है बच्चों क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू है पिंकी इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन ए प्लेन मिररर द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हर इमेज इज फोर मीटर इफ शी मूव वन मीटर टूवर्ड्स द मिरर देन वट विल बी दिस्टेंस बिटवीन पिंकी एंड इमेज तो बच्चों एक चीज हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि द इमेज जो फॉर्म होगी वो सेम डिस्टेंस पे होगी ऑब्जेक्ट अगर कभी प्लेस हो फ्रंट ऑफ मिरर तो जब इमेज फॉर्म होगी बिहाइंड मिरर में उसका उसका जो डिस्टेंस होगा और जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो दोनों के दोनों सेम होंगे लगभग तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों पिंकी चार मीटर दूर थी पहले और चार मीटर दूर ही उसकी इमेज फॉर्म हो रही थी ठीक है अब वो मूव कर गई वन मीटर तो पहले जो डिस्टेंस थी वो टोटल होगी थी एट अब वो वन मीटर चली गई आगे बढ़ गई है ना वन मीटर टूअर्ड्स मिरर यानी एक मीटर टूअर्ड्स मिरर चलेगी तो डिस्टेंस कितनी होगी मिरर और इमेज के बीच में बच्चों ऑब्जेक्ट के बीच में तो डिस्टेंस होगी वो तीन अब जो इमेज जो बन रही है वो क्या होगी वो भी बराबर होगी यानी तीन मीटर तीन मीटर दूर बनेगी तो टोटल डिस्टेंस होगी बच्चों इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस और उसकी इमेज के बीच में ठीक है बच्चों चलिए क्वेश्चन लाइक द लेटर यानी कि जो इमेज फॉर्म हो रही है मिरर में वो लगभग सेम लगे ऐसे केस में जब उसे हम किसमें देखें मिरर में देखें तो कुछ एग्जांपल देता हूँ बच्चों मैं आपको एक एक दो T I H इनको जब आप मिरर में देखेंगे बच्चों तो ये एज एट इज रहेंगे ये चेंज नहीं होंगे इस तरह का लगेगा कि ये बिल्कुल सेम है बच्चों चलिए जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर है पहला एनिमेज दैट कैन नॉट बी ऑबटेंड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड डैश इमेज तो एक इमेज जो कि स्क्रीन पे ना रखी जा सके वो क्या कहलाती है बच्चों वर्चुअल इमेज कहलाती है ठीक है बच्चों चलिए अगला देखते हैं बच्चों अगला द इमेज फोर्म प्लेन मिरर इज डैश एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द मिरर तो द इमेज फोर्म्ड बाई प्लेन मिरर इज डैश एंड ऑफ द सेम साइज एज ऑफ मिरर तो बच्चों द इमेज फोर्म बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ दाइज एज दट ऑफ द्लेन मिरर द राइट एपियस एंडियस इज कॉल्ड बच्चो लेटरल इनवर्सन ठीक है बच्चो तो बच्चों होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें थैंक यू